भाई बहुत मना किया, मान नहीं रहे लोग। देहरादून के सैलाकुई स्थित दून बिजनेस स्कूल में रैगिंग का मामला आया सामने, जहां एक छात्र को कमरे में बंद करके नंगा करके पीटा गया। देखिए पूरी खबर UK 24/7 की। देहरादून के सैलाकुई दून बिजनेस स्कूल में हुए रैगिंग के मामले ने शासन प्रशासन में खलबली मचा दी है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ छात्र दूसरे छात्र को बुरी तरीके से मार पीट रहे हैं। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद दून बिजनेस स्कूल में भी हंगामा देखने को मिला है, जहां छात्रों ने आक्रोशित होकर कॉलेज परिसर में जमकर तोड़फोड़ की है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस के मुताबिक जरूरी नहीं कि यह मामला रैगिंग का ही हो, इसे मारपीट के पक्ष से भी देखा जा रहा है। वहीं पुलिस के मुताबिक कॉलेज की कमेटी इस वक्त मामले की जांच कर रही है और अपनी रिपोर्ट जल्द ही पुलिस को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही SSP देहरादून ने बताया कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सभी शैक्षिक संस्थानों को यह नोटिस पुलिस विभाग की ओर से भी भेजा जाएगा कि यदि कोई ऐसा मामला उनके संज्ञान में आता है तो तुरंत ही पुलिस को अवगत कराया जाए। देखिए पूरी खबर प्रदीप भंडारी की UK 24/7 के लिए देहरादून से। मैं BCOM सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, दून बिजनेस स्कूल में पढ़ता हूँ। और मैं अभी जो ये बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा, कुछ किया नहीं जा रहा। मैं अपने मन से बोल रहा हूँ कि और जो वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले मुझे मारने की, वो मैं ही था। और मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इन कॉलेज वालों ने मुझे 21 दिन के लिए सस्पेंड किया है, बिना मेरा कोई गलती के। और उन लोगों को भी 30 दिन के लिए सस्पेंड किया, उन लोग के अलावा खास कुछ एक्शन लिया नहीं गया है। और उन लोगों को सिर्फ हमको 21 दिन का, उन लोगों को 30 दिन का, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता। जो हुआ है हम लोगों के साथ गलत हुआ है। और जो भी मेरे दोस्त लोग थे जो मुझे बचाने आए थे, उन लोगों को भी 21 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और उन लोगों ने उस दिन कोई मारामारी करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। 12 बजे का सस्पेंशन टाइम दिया था और 12 बजे के बाद मैंने DC ऑफिस में बोला था कि मुझे पेंटी टिकट्स नहीं मिलेगी। तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारी बात है, इसे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तुम समझो। और हमें निकाल दिया गया है और अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। और मेरे जो दोस्त थे उन लोगों को भी 21 दिन के लिए बस इस कारण सस्पेंड किया, क्योंकि उन लोगों को मेरे को सपोर्ट करने के लिए आए थे और वो लोग उस दिन मारामारी नहीं। ये सैलाकुई में दून बिजनेस स्कूल है, इसमें कल देर रात्रि छात्रों के द्वारा वहां पर तोड़फोड़ और मारपीट की बात प्रकाश में आई थी, जिसमें तत्काल पुलिस बल मौके पर गया था। वहां मौके पर देखा कि काफी सारे 150-200 की संख्या में एकत्र थे और वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे। पुलिस द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा ये अपना बलवा जारी रखा गया। वहां गमले और अन्य गाड़ियों को पलट दिया गया, पुलिस के ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया गया। इसको देखते हुए वहां पुलिस ने वहां पर शांति व्यवस्था कायम की। आसपास के थाना फोर्स से भी पुलिस को भेज दिया गया था। पुलिस बल को देखते हुए वहां सभी छात्रगण वहां से फिर अपने अपने कैंपस में और अन्य जगह भाग गए थे। इस पर जब कॉलेज प्रशासन से जानकारी की गई तो पता चला कुछ दिन पूर्व दो ग्रुप, मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ग्रुप में कहीं कोई बात प्रकाश में आई थी, जिस पर उन्होंने कुछ लोगों को टेम्परेली सस्पेंड किया था। उनकी इंटरनल कमेटी जांच कर रही है, उसमें बिंदु उनका जांच का झगड़े को लेकर भी है, साथ ही साथ कोई रैगिंग का इशू लेकर भी आया था, उसको लेकर भी उनकी इंटरनल कोई कमेटी की जांच चल रही है। लेकिन इसी दौरान कोई ऐसा वायरल वीडियो हुआ जिससे छात्र उत्तेजित हो गए और उनके द्वारा इस तरह का बलवा किया गया। इसमें थाना अध्यक्ष की तरफ से इसमें बलवे की और पुलिस सरकारी कार्य में बाधा और हमले की जो है अपनी तरफ से तहरीर लिखाई गई, जिसमें 150-200 छात्रों, अज्ञात छात्रों के विरुद्ध दिखाया गया। साथ ही साथ इसमें जो दून बिजनेस स्कूल के जो प्रशासक हैं, इनके द्वारा भी पुलिस को ऐसी घटनाओं के बारे में पूर्व में नहीं बताया गया, जिससे इस तरह की लापरवाही के बाद ये घटना कारित हुई है। तो संबंधित योजना में इनको भी लिया जा रहा है कि क्यों किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटित हुई है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और ये पूरी जिम्मेदारी है यहाँ के इंस्टीट्यूट की, और जो भी यहाँ चला रहे हैं उनको ये बताना चाहिए कि अगर उनके यहाँ पर कोई इंटरनल डिस्प्यूट है, छात्रों के बीच में कोई इंटरनल डिस्प्यूट से सिलॉन ऑर्डर हो सकती है, कोई रैगिंग का इशू आ रहा है जो सेंसिटिव होता है, जो बड़ा सेंसेशनल होता है, जिसमें बहुत ही प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो अगर कहीं भी ऐसी बात अगर वो थाने पर या सीनियर अधिकारी संज्ञान में लाते तो नेचुरली पुलिस द्वारा जाकर ऐसे छात्रों की काउंसिल भी किया जाता और एहतियात के तौर पर हम उसे पुलिस बल भी लगा सकते थे। लेकिन ये कहीं भी संज्ञान में लिया गया, जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तब ये समस्त जानकारी पुलिस के नॉलेज में आई है।
इसमें जल्दी इसमें जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो प्रशासक है जो डायरेक्टर्स हों जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, इनकी एक मीटिंग की जाएगी और उनको सख्त हिदायत दी जाएगी कि आप अगर कॉलेज चला रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो जिम्मेदारी उन्हीं की भी है समझ के उस पर डिसिप्लिन को मेंटेन करें, कहीं भी कोई ऐसी बात आती है तत्काल पुलिस के नॉलेज में लाए जिससे कि ऐसे जो छात्र हैं या जो गड़बड़ी कर सकते हैं उन पर कुछ हम प्रिवेंटिव कार्रवाई कर लें या उनकी काउंसलिंग करके उनको हम उनको समझा सकें। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़, खबर वही जो है सच सही।